आज के टाइम पे सबको पता है कि कैसे गूगल डिस्कवर का यूज करके लोग बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इस ला पा रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, और उससे लोग काफ़ी अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना पोस्ट लिखोगे ताकि आपके जो पोस्ट है वो गूगल डिस्कवर में जा पाएँ। जी हाँ, गूगल डिस्कवर में जाने के लिए आपको डिस्कवर के हिसाब से आर्टिकल लिखना चाहिए, और आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप यहाँ पे डिस्कवर के हिसाब से SEO फ्रेंडली आर्टिकल लिख सकते हो, और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि आर्टिकल लिखने के अलावा आपको क्या क्या चीज़ें करनी है ताकि आपके पोस्ट इजीली यहाँ पे गूगल डिस्कवर फीड में जा पाएँ और वहाँ से आपको अनलिमिटेड ट्रैफिक मिल पाए। और देखो, अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है तो जाहिर सी बात है आप गूगल एडसेंस का इस्तेमाल करके काफ़ी डिसेंट अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हो तो देखते रहो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी साइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है और आपको नहीं पता है कि कैसे हमारा पोस्ट गूगल डिस्कवर फीड में जा सकता है या गूगल सर्च कंसोल के अंदर आपका गूगल डिस्कवर जो है वो इनेबल हो सकता है, तो देखिए वीडियो को अंत तक। और आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ब्लॉगिंग, SEO, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है और आप अपने ब्लॉग को ग्रो करना चाहते हो तो इस चैनल को एक बार चेकआउट करना। पसंद है तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। चलिए शुरू करते हैं। अभी देखो, बहुत से लोगों को लगता है कि मेरे यहाँ पे गूगल डिस्कवर में मुझे ट्रैफिक नहीं मिल रहा है तो कैसे ये बताएगा। सबसे पहले देखो यार, गूगल डिस्कवर इनेबल है और बहुत पहले ही इनेबल ये हो चुका था, लेकिन अभी के टाइम पर देखो इस साइट पर काम नहीं होती है। लेकिन गूगल डिस्कवर इनेबल है, गूगल न्यूज़ भी इनेबल है, तो आपको करना क्या है। देखो, ट्रैफिक भी आ रहा था। देखो, अभी के टाइम पे मेरी बहुत सी ऐसी साइट है जिस पे बहुत ही अच्छा ट्रैफिक है गूगल डिस्कवर से, तो आप कैसे गूगल डिस्कवर में आ सकते हो और कैसे आप पोस्ट लिखोगे ताकि आपके पोस्ट गूगल डिस्कवर में आए। तो ठीक है, तो मैंने एक पोस्ट लिख रखा है और आपको समझाऊंगा इस पोस्ट के माध्यम से कि आपको करना है क्या क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले बात आती है आपका जो टाइटल होता है, तो टाइटल आपको गूगल डिस्कवर के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना है। आप देखोगे गूगल डिस्कवर में वो पोस्ट आते हैं जिनका टाइटल काफ़ी क्लिकेबल होता है। जैसे कि आपका एक कीवर्ड है, मान लेते हैं फ़ोन पे से पैसे कैसे कमाएं, तो ये एक कीवर्ड है, और उसके बाद आपको कुछ ऐसा लिखना है जिससे क्लिक कर दे यूजर। ठीक है, तो देखो मैंने इसमें क्या लिखा है, फ़ोन पे से पैसे कैसे कमाएं आपका मेन कीवर्ड हो गया। उसके बाद फ़ोन पे से 300 रोज़ कमाना है, 300 रुपये रोज़ कमाना है तो अपनाएं ये ट्रिक, और ये आप देखो काफ़ी क्लिकेबल यहाँ पे टाइटल हो गया। क्लिकेबल होना चाहिए ताकि जैसे ही गूगल डिस्कवर फीड में आपका ये आए और टाइटल देख के ही यूजर क्लिक कर दे, और इससे आपका CTR इम्प्रूव हो जाएगा। जब CTR इम्प्रूव हो जाएगा तो वो और भी गूगल डिस्कवर फीड में रिकमेंड होने लगेगा। गूगल डिस्कवर फीड जो है ना वो इंटरेस्ट बेस्ड पे होता है, मतलब जितना ज़्यादा लोग क्लिक करेंगे उतना ज़्यादा ही आपका और भी प्रमोट होगा वो आर्टिकल। तो देखो, तो इसमें एक चीज़ और करना है, मैक्सिमम आप देखते होगे ना जितने भी मतलब टाइटल अट्रैक्टिव होते हैं उसमें ये जो एक कॉलन देख सकते हैं ना, सेमी कॉलन, ये होना चाहिए, कीवर्ड के बाद ये होना चाहिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो गूगल डिस्कवर फीड में जाए। और उसके बाद ये देखिए, इसमें ये एक्सप्लेनेशन जो चिन्ह होता है वो यहाँ पे देखिए दिया गया है, तो कॉमा का यूज कर सकते हो, ये सेमी कॉलन का यूज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको गूगल डिस्कवर फीड में ले जाने में हेल्प करती हैं, और ये मैंने ऑब्जर्व किया है। ये गूगल नहीं बोलता है कि ये आप करो, ये मैंने ऑब्जर्व किया है, ये सारी चीज़ें करने से हमें बहुत हेल्प मिलती है। तो सबसे पहले आपको टाइटल ऑप्टिमाइज करना है, उसके बाद देखो आप, उसके बाद ये अपना जो आपका पोस्ट है वो पोस्ट आपको पूरा लिखना है, और आपके पहले पैराग्राफ में आपका मेन कीवर्ड होना चाहिए जिसे आप टारगेट कर रहे हो, क्योंकि हमें केवल गूगल डिस्कवर से ही ट्रैफिक नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारा जो पोस्ट है वो गूगल सर्च रिजल्ट में भी यहाँ पे रैंक करे, गूगल के टॉप पोजीशन पर भी रैंक करे और वहाँ से भी हमें ट्रैफिक मिले। तो यहाँ से देखो, फ़ोन पे से पैसे कैसे कमाएं, ये हमारा यहाँ पे मेन कीवर्ड हमारे पहले पैराग्राफ में है, और साथ ही साथ इंटरनल लिंकिंग भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से की गई है, तो इंटरनल लिंकिंग वगैरह भी आपको करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए किस तरह से मैंने पोस्ट लिखा है। अब आपको कंप्लीट पोस्ट लिखना है। बहुत से लोग सोचते हैं यार, गूगल डिस्कवर से ट्रैफिक लाने के लिए हमें डेली के 4-5 पोस्ट लिखने होते हैं, तो हम न्यूज़ टाइप का आर्टिकल लिखेंगे, छोटा छोटा लिखेंगे। अगर आप छोटा छोटा लिख रहे हो तो फिर आपको आपके पोस्ट जो है ना वो इंडेक्स भी नहीं होंगे, तो आपको एकदम फुल्ली जो फुल लेंथ के कंटेंट होते हैं वो लिखना है।
और आपको यहाँ पे थोड़ी सी भी कंजूसी नहीं करनी है आर्टिकल लिखने में, तो आपको कंप्लीट आर्टिकल लिखना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये जो कंटेंट है 1782 वर्ड का है, 1500 से भी ऊपर, 1700 से भी ऊपर का यहाँ पे ये आर्टिकल है। तो आपको क्या करना है, आपको भी लंबे लंबे पोस्ट लिखने होंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे फ़ोन पे क्या है, फ़ोन पे अकाउंट बनाने के लिए ज़रूरी चीज़ें, फ़ोन पे पर अकाउंट कैसे बनाएं, और सबसे ख़ास बात मैं आपको बता देता हूँ इसमें, देखिए इमेजेस का यूज किया गया है। देखिए ये इमेजेस यूज किए गए हैं, H2 हेडिंग, H3 हेडिंग, बहुत सारे हेडिंग्स यूज किए गए हैं इसमें। देखिए बुलेट में, पॉइंट में यूज किए गए हैं, तो आपको भी यूज करना है, ठीक है। FAQ यूज किया गया है, तो FAQ वगैरह भी आपको यूज करना है। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ आपका मेन जो चीज़ है ना वो है दोस्तों आपका फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज जैसे कि मैं नीचे की तरफ लेके चलता हूँ, देखिए ये फीचर्ड इमेज है, इसकी जो साइज और क्वालिटी है ना वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब गूगल डिस्कवर फीड में हमारा जो पोस्ट जब कभी जाता है तो क्वालिटी जब अच्छी होती है और इसकी साइज अच्छी होती है तो यूजर तुरंत क्लिक करता है और वो फुल दिखता है, गूगल डिस्कवर फीड में फुल दिखता है। तो आपको जो इमेज की साइज होनी चाहिए वो 1200 पिक्सल वाइड होनी चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगा 1200x675 पिक्सल का यहाँ पे आप इमेज बनाइए और उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखिए। उसकी साइज जो है ना वो जैसे KB में जो साइज होती है, MB में साइज होती है, वो आप कम करो और लेकिन क्वालिटी इम्प्रूव रखो, ठीक है। तो उसके लिए आप ना बहुत सारे कंप्रेसर आते हैं, ऑनलाइन कंप्रेसर आते हैं इमेज के, तो वहाँ से आप उनकी साइज को रिड्यूस कर सकते हो बिना क्वालिटी गवाए, ठीक है। तो वो आप गूगल कर लेना, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। तो ये देखो ये काम आपको करना है, इमेज आपको सही से रखना है। तो देखो टाइटल हमें ऑप्टिमाइज करना है और उसके बाद हमें इंटरनल लिंकिंग करना है और हमारे पहले पैराग्राफ में हमारा मेन कीवर्ड होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे देखिए फ़ोन पे से पैसे कैसे कमाएं, H2 हेडिंग में भी, यानी कि हमारे कंटेंट के अंदर H2 हेडिंग में भी हमारा मेन कीवर्ड होना चाहिए, जिसके लिए हम रैंक भी करना चाहते हैं गूगल में। हमें डिस्कवर से भी ट्रैफिक लेना है और गूगल में रैंक भी करना है, दोनों करना है, ठीक है। तो ये भी आपको करना होगा। और उसके बाद आप देखो ना आपको क्या करना है, उसके बाद ये सारी चीज़ जो मैंने बताई वो करनी है। तो कंटेंट देखो गूगल डिस्कवर के लिए आप इस तरह से ऑप्टिमाइज करोगे, क्या ऑप्टिमाइज करोगे, इमेजेस, टाइटल, इंटरनल लिंकिंग और कंटेंट के अंदर आपका मेन कीवर्ड, और फुल लेंथ में आपको आर्टिकल लिखना है। ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे 300-400 वर्ड, 500 वर्ड, 600 वर्ड के आप लिखोगे, ऐसे आर्टिकल मत लिखना। फुल लेंथ में जैसे ये देख सकते हैं 1782 वर्ड का लिखा गया है, इस तरह से आपको लिखना है। इमेजेस का यूज करना है, ठीक है, पोस्ट के अंदर इमेजेस को भी आप यूज करिए। अब इससे क्या होगा, रैंक भी होगा, गूगल डिस्कवर में भी आएगा। अब ये तो कंटेंट आप इस हिसाब से लिख सकते हो, अब मैं आपको बताता हूँ कि गूगल डिस्कवर में आने के लिए आपको काम क्या करना है और भी क्या करना है जिससे आपको इनिशियल बूस्ट मिल जाए, ठीक है। उसके लिए मैंने माइंड मैप बनाया है। तो सबसे पहला आपको क्या करना है कि अपने ऑप्टिमाइज करी पोस्ट के टाइटल को, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। दूसरा क्या है, इमेज साइज और उसकी क्वालिटी को, ये भी मैंने बता दिया। उसके बाद है व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ज्वाइन बटन, जैसे कि ये जो पोस्ट है ना, पोस्ट जो लिखा गया है, इसे इस पर कोई विजिटर आता है तो यहाँ पे आपके इस पोस्ट के ऊपर फ्लोट होना चाहिए व्हाट्सएप ज्वाइन बटन या टेलीग्राम का ज्वाइन बटन। इससे क्या होगा कि वहाँ पे जाके यूजर ज्वाइन करेगा और जब आप कोई नया पोस्ट लिखोगे और जैसे ही उसे वो पोस्ट का लिंक शेयर करोगे टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ से आपको डायरेक्ट ट्रैफिक मिलेगा। और जब डायरेक्ट ट्रैफिक मिलता है तो भी आपके जो पोस्ट होते हैं वो गूगल डिस्कवर फीड में जाते हैं। तो ये काम आपको करना है। फोर्थ नंबर क्या करना है, एवरग्रीन ट्रेंडिंग टॉपिक को सिलेक्ट करना है। बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जो एवरग्रीन होते हैं, उन पे हमेशा सर्चेस होते हैं, उनको आप सिलेक्ट करिए। और साथ ही साथ ट्रेंडिंग टॉपिक को भी आपको सिलेक्ट करना है, ट्रेंडिंग टॉपिक में क्या चल रहा है उससे भी आपका डिस्कवर में जाएगा और आपको बहुत अच्छा ट्रैफिक मिलेगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। पाँचवा पॉइंट हमारा, डेली 4-5 पोस्ट आपको लिखना होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 4-5 पोस्ट लिखोगे डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी और इंडेक्सिंग आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, आपके पोस्ट डिस्कवर में भी जाएंगे। और डेली 4-5 पोस्ट लिखने से ये भी होता है कि आपके पोस्ट गूगल न्यूज में भी चले जाते हैं, वहाँ से भी आपको ट्रैफिक मिलता है। छठवा है हमारा, आपको डायरेक्ट ट्रैफिक पर फोकस करना होगा। जैसे कि मैंने बताया फेसबुक का यूज करिए, फेसबुक पेज, वेब पुश नोटिफिकेशन का यूज करिए, जैसे कि वन सिग्नल हो गया, लैरा पुश हो गया,
टेलीग्राम ग्रुप बनाइए, चैनल बनाइए, यूट्यूब चैनल बनाइए, ताकि आपको वहाँ से डायरेक्ट ट्रैफिक मिले। तो ये थे कुछ पॉइंट जो आपको फॉलो करने हैं। आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, आपके पोस्ट डिस्कवर फीड में आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। डाउट हो तो कॉमेंट करिए। धन्यवाद।